और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद उस चंदन को कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे, कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के, फिर बाबा का स्नान नहीं हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगाकर आ जाते। ये चीज आपने शुमह पुराण से सीख ली। डिब्बी में उस चंदन को आप शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर कुछ दिन रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई। जिसके नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके भगवान शंकर से की दृष्टि इस ठोड़ी तक, क्योंकि स्तुति चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा चंदन लगाना दृष्टि खुली। लगभग जैसे ही दृष्टि खुली 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक भगवान रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ कर देगी। नंदी पर विश्वास के साथ, ओ नंदी भरोसे के साथ, नंदी ही क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें चार बत्ती, थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने आटे के दिए में चार बत्ती रखे खड़े हुए, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नौमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिन भगवान को मालूम है, हमारे खंड में भी पढ़ना है, बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को कि किसी भी नौमी भगवान को ये ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। मौली मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं लच्छा, एक बात जरूर मौली लच्छा नाड़ा हाथ में बांधने वाला पूजन वाला। शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़, और परिक्रमा शंकर के भक्तों की भीड़, ये दिखावे की भीड़ नहीं है। शिव मंदिरों में अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से, इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ दिल से आंवले के पेड़ के नीचे एक पत्र लगाइए और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर अपने हाथ पर बांधकर कुलदीप से उसी धागे को पहनकर गणेश अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है, जरा खड़े हो, वृक्ष में जो गोंद लग रही है वो ब्राह्मण हत्या का नश्वर है। माइक दीजिएगा, पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का नश्वर है, बंजर भूमि रामनवमी पर भगवान का वर्षा तैयार करो तो उसमें कौन मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का जनवरी है, भगवान के प्रसाद में मोंद नहीं आना चाहिए। बाबा ने वापस बुला लिया, विवाह हो गया बाबा की, बहुत बहुत बैठिए विराजमान। श्री शिवाय।
इधर आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो। बाबा की कृपा है, शिव उपासना ने पुराण करती है, इतना विश्वास जरूर है मेरा ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो। आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर दो साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आप जरा रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव लगाकर पांच परिक्रमा और दिल से विश्वास रखकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर गुरु जी को नाम में सुशीला पंचाल मुसाखेड़ी मयूर नगर इंदौर से बैठे हैं क्या? दसवीं तिथि को, नौवीं को तो ये करोगे, दसवीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए। मेरे पति की नौकरी और चली जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिए, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाए। आपको 31 मूंग के दाने, स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व का उपाय बताया था, पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो ब्राह्मण हत्या का वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी होए, बहू की डिलीवरी होए, ये पत्र में अभी करे आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी, आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में बीमारी डॉक्टर का पीछे नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें चार बत्ती, दरवाजे जाकर शंकर को दिल से आटे के दिए में चार बत्ती रखें, गण के स्वरूप तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें, महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नौवीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की नवमी किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर, भगवान नीला चंदन ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया, क्यों? क्योंकि भगवान चंदन को की स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो सुंदर के नेत्र खुले, पीपल का मैंने विष पिया, कोमल पत्ता, प्रबल अगर काम किसी ने करा है, कोमल पत्ता मतलब एकदम एक पीपल का होता है कड़ला पत्ता, बूंद कड़क हो जाए, इस बूंद को जो नंदी ने एकदम होता है सबसे प्रबल काम किया, स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिस कर जो वो चंदन होता है, वालों का तो क्या है, उस चंदन को जिसके गले में माला, उस चंदन को स्तुति उसी उस की करने पत्ते पर रख ले, बोलो सही। और महाराज उस पत्ते को तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जीत गया है, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पिनाते थे, वो हार गया, उसको ना पिना कर किसको पिनाएंगे, जो जीत गया उसको।
जैसे ये शिवलिंग है अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको कटी भाग उसके बाद जहाँ शिवलिंग रखा हुआ लोग उसको पिनाएंगे। इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही कि उसने तीन उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। अरे स्तुति मेरे संकल्प जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है तो ये मिल सकता। और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है, उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। गुणगान भाग पर जो लगाया गया है उसको भी कर्म वापिस लेकर वो कहने के लायक नहीं, फिर बाबा का स्मरण नहीं केवल चंदन और भगवान मेरा उसी पीपल के त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा शिव था और मेरा शंकर मेरा ओघनदानी मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है चश्मा लग रहा हो मेरा शंकर श्रवण शक्ति कमजोर हो सुनाई कम दे आपको भी दिल से कहना चाहिए जम के बोलो कंठ से मेरा शंकर इस ठोड़ी तक उसी तो है जिसको अपन चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए बाकी के तो और सब नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक झूठे रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे धीरे धीरे, फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो। हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं, किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो क्यों और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी मेरा है नहीं किसी का और वो बंधु नहीं किसी का शिवदानी बस मेरा है मेरा है बस मेरा है ओघड़दानी मेरा है। देखो विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा और हम खाएंगे तो जम के बोलिए जरा हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा भराएगा नहीं, प्लेट रखी है और पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिभ्या से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना, कर्म प्रधान है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहे कर्म प्रबल, और कर्म की प्रबलता हो। कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था,
तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये चेतना दे देता है मन। जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदे फिश की नीचे गिरी और तूने जिभ्या से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा, ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा ये शंभु, वहां उतरकर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा, गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मुंह क्यों चढ़वाई, 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है सब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जान दो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी होए ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मुंह की बात करते ना, घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए, तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई, पूछो वो घोड़ी के क्यों खिलाई, मैं घोड़ा के क्यों खिले, पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई, तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मुंह क्यों चढ़ाए कि शंभु मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मुंह चढ़ा, आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा, कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे,
कि ये बताओ नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बैल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाते, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहां तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से चार, कोई मुंडा से पांच, कोई छह, कोई का पांव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर, इतना सुंदर, जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर के तो एक स्वरूप है नंदी, जितने शिव सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुजगेरा सदार संतम विजगार बंदे भवं भवानी सतम। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरम, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभू भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महांकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए, तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बैल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बैल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी का नहीं लगेगा। प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को